फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बटन ऑफ द बेल आइकन। कृपया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू चौहान आईएएस एकेडमी। सो दिस इज अवर हिस्ट्री वीडियो ऑफ चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। नेम ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम 10th टू 17th सेंचुरी। देखते हैं ट्रैवलर्स कौन कौन से थे उस टाइम पे। अल बिरूनी जो कि ख्वारिज्म से आया था, जो कि 10th सेंचुरी में आया था। मार्को पोलो 13th सेंचुरी में इटली से जो आया था। इबन बतूता मोरक्को से आया था, 14th सेंचुरी में आया था। समरकंदी अब्दुल रजाक समरकंदी जो कि 15th सेंचुरी में ईरान से आया था। बारबोसा द्वारते बारबोसा जो कि 16th सेंचुरी में आया था। तेवरनियर 17th सेंचुरी में आया था, जो कि एक फ्रेंच ज्वेलर था। बर्नियर फ्रांसिस बर्नियर जो कि 17th सेंचुरी में आया था और एक फ्रेंच डॉक्टर था। बट एनसीईआरटी के बेसिस पे देर आर ओनली 3 मेन ट्रैवलर्स। फर्स्ट वन वी हैव अलबिरूनी, सेकंड वन वी हैव इबन बतूता एंड थर्ड लास्ट वन वी हैव बर्नियर फ्रांसिस बर्नियर। सो लेट्स टॉक अबाउट देम एंड देयर टाइम पीरियड एंड देयर अकाउंट्स। सो फर्स्ट वन वी हैव अलबिरूनी एंड किताब उल हिंद। अलबिरूनी ने किताब लिखी थी अल हिंद, किताब अल हिंद जो कि उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड थी। अभी हम पहले अलबिरूनी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अलबिरूनी था कौन और कहाँ से आया था और कब आया था। अलबिरूनी वॉज बॉर्न इन 973 इन ख्वारिज्म प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। अलबिरूनी कहाँ पे पैदा हुआ था, 973 में हुआ था और ख्वारिज्म में हुआ था, जो कि आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान में माना जाता है। विच वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। अलबिरूनी ने वहाँ पे अपने टाइम की बहुत अच्छी एजुकेशन अडॉप्ट करी थी और जो ख्वारिज्म था वो एक अच्छा प्लेस भी माना जाता था एजुकेशन के लिए। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक पर्शियन हिब्रू एंड संस्कृत। अलबिरूनी जो था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में वेल वर्स्ड था, लाइक अरेबिक पर्शियन एंड हिब्रू, और संस्कृत भी वो जानता था, बट नॉट विद ग्रीक। लेकिन जो ग्रीक लैंग्वेज होती थी वो उसके साथ फैमिलियर नहीं था, उसको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी। सो इन 1017 व्हेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज्म, ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पोइट्स बैक टू हिज कैपिटल गजनी। अलबिरूनी वॉज वन ऑफ दैम। 1017 में क्या था, देखो व्हाट हैपन, ख्वारिज्म वॉज एन रिच प्लेस। सो जो महमूद गजनी था उसने ख्वारिज्म को इन्वेडेड किया था, अटैक किया था वहाँ पे। वो बहुत सारे पोइट्स को स्कॉलर्स को अपनी कैपिटल में ले के जा रहा था। सो अलबिरूनी भी उनमें से एक ही था। व्हेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वारिज्म, ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पोइट बैक टू हिज कैपिटल गजनी। अलबिरूनी वॉज वन ऑफ दैम। अलबिरूनी को भी वो अपने साथ वहाँ पे ले गया। अलबिरूनी स्टार्टेड टू लाइकिंग द सिटी एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज एज एट द एज ऑफ 70। अलबिरूनी को स्टार्टिंग में वो जो गजनी कैपिटल होती थी वो उसको पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में उसका वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ने लग गया और फिर बाद में उसने अपनी एज 70 तक, जब तक वो मरने गया तब तक उसने वहीं पे स्पेंड किया। ही स्पेंड ईयर्स इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मण पैरिस्ट प्रेस्ट एंड स्कॉलर्स लर्निंग संस्कृत एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट। उसने एक ब्राह्मण पुजारी होता था उसके वहाँ पे मतलब उसके साथ वो वहाँ पे रहा और संस्कृत लैंग्वेज को सीखा और वहाँ पे रिलीजियस धर्म के बारे में पढ़ाई करी और फिलोसफिकल टेक्स्ट के बारे में भी जानने की कोशिश की। मोस्टली ट्रैवल इन पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हिज लिटरेचर डील्ड विद लैंड एज फार एज पार्ट एज द सहारा डेजर्ट विद वेस्ट टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। जो मोस्टली वो कहाँ पे ट्रैवल करता था, उसने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया था, पंजाब में और जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट होता था वहाँ पे वो मोस्टली ट्रैवल किया करता था। और जो उसकी अकाउंट्स है, जो उसकी बुक है, वो भी कहाँ से मतलब बिलोंग करती है, कहाँ से वो डील्ड करती है, सहारा डेजर्ट विद वेस्ट टू रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ से उसकी जो लिटरेचर है, जो उसका अकाउंट है, वो डील्ड करता है। किताब अल हिंद, जो अलबिरूनी ने किताब लिखी थी वो क्या थी और कब लिखी थी, कैसे लिखी थी, देखते हैं। अलबिरूनी किताब अल हिंद रिटन इन अरेबिक इज सिंपल वॉल्यूमिनियस टेक्स्ट। जो अलबिरूनी की जो किताब है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है और एक सिंपल सा टेक्स्ट है, डिवाइडेड इंटू 80 चैप्टर्स, जो कि 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन फिलोसफी फेस्टिवल एस्ट्रोनॉमी वेट्स मेजर्स एक्सेट्रा। अलबिरूनी की किताब 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक रिलीजन धर्म देख लो, फिलोसफी फेस्टिवल्स। उसने वहाँ के हर चीज़ के बारे में लिखा था
और एक उसका जो मेथड था वो बहुत ही अच्छा था। अगर आप किसी भी संस्कृत बुक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि श्लोक पहले लिखा होता है, बाद में उसका डिस्क्रिप्शंस दिया होता है। सो अल बिरूनी ने भी ऐसे किया, क्वेश्चन को पहले लिखा, बाद में कंपेयर के साथ उसको डिस्क्राइब किया। इन सम चैप्टर्स ही अडॉप्टेड अ डिस्टिंगटिव स्ट्रक्चर बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ वो बिगनिंग करता था किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लो, श्लोक को ही देख लो आप, श्लोक पहले लिखा होता है। इसी तरीके से अल बिरूनी का क्वेश्चन पहले लिखा होता था और बाद में वो डिस्क्राइब करता था। अल बिरूनी रोट इन अरेबिक, प्रॉब्ली इंटेंडेड हिज वर्क फॉर पीपल्स लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो अल बिरूनी की जो बुक थी वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करती थी, जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, मीन्स जो बाउंड्री पे रहते थे, वहीं के लोगों के बारे में अल बिरूनी ने ज़्यादा डिस्क्राइब किया था। ये था हमारा अल बिरूनी के बारे में, अल बिरूनी का इंट्रोडक्शन और उसकी किताब क्या थी, ये था अल बिरूनी। अब हम देखेंगे इबन बतूता के बारे में। इबन बतूताज रिहल्ला एंड अर्ली ग्लॉब ट्रॉटर, जो ये इबन बतूता था ये बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ सा था, मीन्स ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया था और लोगों के बारे में इसने बहुत जानने की कोशिश करी थी और इसने लिखा भी था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो देखते हैं। इबन बतूताज बुक रिहल्ला रिटन इन अरेबिक प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। जो इबन बतूता था ना वो 14th सेंचुरी में आया था, ये तो आपको पता है। जो उसकी बुक है रिहल्ला वो भी अरेबिक लैंग्वेज में ही लिखी हुई है और वो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करता है, मतलब बहुत ही जो रिच लाइफ होती थी उस टाइप की, जो रिच पीपल होते थे, या फिर उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल दी है उन लोगों के बारे में और ज़्यादातर उसने सोशल एंड कल्चर लाइफ को डिस्क्राइब किया है अपने बुक के अंदर। ही वॉज मोरक्कन ट्रैवलर बोर्न इन टेंजियर इन टू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली नोन फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन इस्लामिक रिलीजियस लाइफ और शरिया। मीन्स अल बिरूनी टेंजियर में बॉर्न हुआ था और बहुत ही अच्छी फैमिली में बॉर्न हुआ था वो, और एजुकेटेड फैमिली भी थी। ही कंसिडर्ड ट्रैवलिंग इम्पोर्टेंट एंड बुक्स इन द मैनर ऑफ नॉलेज। जो इबन बतूता होता था वो बुक से ज़्यादा घूमने को नॉलेज मानता था, मीन्स उसे लगता था कि बुक से ज़्यादा उसे घूमने से नॉलेज मिलेगी। अगर आपको फ्रेंच के बारे में जानना है तो आप बुक से ज़्यादा उसको ट्रैवल करके ही पता लगा सकेंगे कि फ्रेंच में ऐसा है क्या और किस चीज़ में वो मीन्स क्या है। तो वो घूमने को ज़्यादा नॉलेज मानता था, वो घूमने से ही उसको ज़्यादा नॉलेज मिलती थी। उसका मानना यही था कि बुक से अच्छा हम किसी चीज़ को ट्रैवल करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इबन बतूता रीच्ड सिंध इन 1333 बाय मोहम्मद बिन तुगलक। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम एज अ काजी ऑफ जज ऑफ दिल्ली। 1333 में वो दिल्ली में आया और उसको काजी की तरह अपॉइंट किया गया और वहाँ पे रुक गया। जो सुल्तान था वो वहाँ का, उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था और उसको काजी अपॉइंट कर दिया था। वंस अ मिसअंडरस्टैंडिंग अकर्ड बिटवीन सुल्तान एंड इबन बतूता वॉज थ्रोन इन टू प्रिजन। एक बार दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से सुल्तान ने इबन बतूता को जेल में बंद कर दिया था। एज सून एज इट क्लियर्ड ही वॉज रिस्टोर्ड टू इम्पीरियल सर्विस एंड वॉज ऑर्डर इन 1342 टू पकीट टू चाइना एज अ सुल्तान्स इन्वॉय टू द मंगोल रूलर। फिर वो थोड़े दिन बाद जब सब कुछ क्लियर हो चुका था तो उसको बाहर जेल से निकाल दिया गया था और सुल्तान ने उसको ऑर्डर दिया था 1342 के अंदर कि वो चाइना जाए, क्योंकि सुल्तान जो था वो वहाँ के मंगोल रूलर का कैप्चर करना चाहता था। व्हेन इबन बतूता प्रोकेटेड टू मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल इंडिया। इबन बतूता बहुत ज़्यादा घूमता था, मीन्स इसने वास्ट ट्रैवल किया था, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में ये घूमा था और बहुत ज़्यादा इसने एक्सपीरियंसेस लिए थे और उनको लिखा था। पहले ही मालाबार कोस्ट गया थ्रू सेंट्रल इंडिया, फिर मालाबार कोस्ट से ये मालदीवस गया, वहाँ पे ये 18 मंथ्स के लिए रहा, फिर ये श्रीलंका गया, अगेन मालाबार कोस्ट एंड मालदीवस, ऑल्सो विजिट टू बंगाल एंड असम, फाइनली ही टुक शिप टू सुमात्रा एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप फॉर चाइनीज पार्ट नो टाउन ऑफ जैतून। बहुत ज़्यादा घूमा था, देखो चाइना में भी गया था, मालदीवस, मालाबार कोस्ट, बंगाल, असम, श्रीलंका, चाइना, सब कहीं इसने ट्रैवल किया था, मीन्स घुमक्कड़ सा था। He traveled extensively in China but did not stay for long. China में भी गया था लेकिन वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया। Deciding to return home in 1347 के अंदर उसने decide किया घर वापस जाने के लिए। According to Ibn Battuta, it took 40 days to travel from Multan
टू दिल्ली एंड अबाउट 50 डेज फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। इबन बतूता के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ट्रैवल करता था तो मतलब उसे 40 डेज लगते थे मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए, और सिंध से दिल्ली जाने के लिए उसे 50 डेज लगते थे, वाइल दैट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली टुक 10 डेज, और ग्वालियर से जब दिल्ली जाता था तो 10 दिन ही लगते थे। ये इबन बतूता ने अपनी बुक के अंदर भी डिस्क्राइब किया है, सो हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में ही देख लेते हैं। सो थैंक यू।